अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। देश की बेटियों को मिला इंसाफ, निर्भया के चारों गुनहगारों को एक साथ दी गई फांसी। जी हां, निर्भया गैंगरेप के चारों दोषियों को शुक्रवार सुबह तिहाड़ जेल में फांसी के फंदे पर लटकाया गया। साल 2012 में दिल्ली में एक बस में इन दरिंदों ने निर्भया के साथ गैंगरेप किया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। 7 साल 3 महीने और 3 दिन पहले यानी 16 दिसंबर 2012 को देश की राजधानी में हुई इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। सड़कों पर युवाओं का सैलाब इंसाफ मांगने के लिए निकला था और आज जाकर उसका नतीजा निकला है। मैंने जैसे सुप्रीम कोर्ट से आई, मैंने उसके आगे हाथ जोड़ा, तस्वीर को गले लगाई और मैंने कहा कि बेटा आज आपको इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल अपने आप को सेफ महसूस करेंगी, सुरक्षित महसूस करेंगी कि कहीं न कहीं इन चारों के फांसी के बाद जो हम कहते हैं कि हमें अपने बेटों को सिखाना है, समझाना है, तो अपने आप परिवार सिखाना शुरू करेगा, माँ बाप सिखाना शुरू करेगा कि अगर ऐसा कुछ करोगे तो जैसे इन चारों को फांसी हुई है आपको भी ऐसी हो। पहली बार है कि एक देश में बच्ची के साथ रेप बलात्कार हुआ था, आज पहली बार उसको इंसाफ मिला। आज का दिन 20 मार्च है, आज का दिन हमारी बच्चियों के नाम, हमारी महिलाओं के नाम, क्योंकि आज का दिन निर्भया को इंसाफ मिला, पूरे देश के बच्चियों को इंसाफ मिला। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, खासकर अब देर से ही सही इंसाफ मिला। मैं अपने जुधिष्ठिरी को, अपने न्याय व्यवस्था को, अपने राष्ट्रपति महामहिम को, अपने सरकारों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिस तरह से निर्भया के केस में डिले टैक्टिक्स अपनाई गई, एक एक करके पटीशन डाली गई, लेकिन जिस तरह से पटीशन डाली गई उसी तरह से हमारी अदालतों ने सक्रिय होकर एक एक पटीशन को खारिज किया। फाइनली आज हम उस मुकाम पे पहुंचे, उनको फांसी दी गई, निर्भया को इंसाफ मिला। इस खबर में बस इतना ही, देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी।